हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल टीच अबाउट द प्लफिंग, द मशीन्स विच आर यूज फॉर द प्लफिंग्स। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लफिंग क्या होती है। तो प्लफिंग क्या होती है कि इफ़ वी आर टर्न और लूज द सोयल देन इट इज़ नॉन एज द प्लफिंग। अब प्लफिंग जो है वो विद द हेल्प ऑफ सम इम्प्लांट्स की जाती है। तो उन इम्प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उन मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ डन बाय यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड द प्लफ। तो जो प्लफिंग होती है वो की जाती है प्लफ से, हॉ से और या कल्टीवेटर से। प्लफ को हम हिंदी में हल भी बोलते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में ये नज़र आ रहा है। 1.1 जो पिक्चर है उसमें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इवन आफ्टर द प्लफिंग द सोइल में स्टिल हैव द लार्ज पीसेस कॉल्ड द क्रम्स। जब प्लफिंग कर ली जाती है तो सोइल जो होती है उसमें बड़े बड़े मिट्टी के जो पीस होते हैं वो बच जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पीस जो होते हैं, ठीक है। और आपने अगर कभी फील्ड को प्लफ करते हुए देखा हो या कभी मतलब आपको मौका मिले तो आप देखना कि जब प्लफ किया जाता है मिट्टी को तो काफ़ी बड़े बड़े पीस जो होते हैं मिट्टी के वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको क्रम्स के नाम से जानते हैं। दीज क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कॉल्ड द लेवरल। इन क्रम्स को क्या किया जाता है, जो लकड़ी का एक प्लैंक होता है, ठीक है, उसके हेल्प से तोड़ा जाता है और उसको लेवलर के नाम से जानते हैं। अब ये लेवलिंग क्यों की जाती है, उन क्रम्स को क्यों तोड़ा जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि इरिगेशन बहुत अच्छे से हो सके। इरिगेशन मीन्स वाटर को, वाटर प्रोवाइड करवाना किसको, क्रॉप को, तो उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि लेवलर हो जाएगा, मतलब फील्ड एक जैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इजीली हो पाएगा। कहीं पर भी वाटर जो होगा वो एक जगह होल्ड नहीं होगा, रुकेगा नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होगी और हर एक प्लांट तक क्या पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा, वाटर पहुंच जाएगा। तो इसलिए उसका लेवलर किया जाता है फील्ड को, ठीक है। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो फील्ड को इस प्रकार से लेवल किया जाता है कि फील्ड में एक स्लोप दी जाती है, हल्की सी एक स्लोप दी जाती है, जिससे पानी लास्ट जो प्लांट होता है वहाँ तक इजीली पहुँच जाता है। सो सबसे पहले हम अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर दिया हुआ है, प्लफ, हो, कल्टीवेटर एंड लेवलर। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आपको हो जो प्लफ है उसकी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है। मोस्टली ये ट्रेडिशनल यूज किया जाता है, पुराने समय में यूज किया जाता था और अभी भी यूज किया जाता है। हम विलेज एरिया में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर यूज किया जाता है। इसमें एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, वुड का टुकड़ा होता है, जो कि एक स्टील से बने हुए पीस में क्या रहता है, पेंट्रेट रहता है, उसमें अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है। और जो नीचे की तरफ स्टील वाला टुकड़ा होता है उसकी शेप जो होती है वो थोड़ी ऊपर से ऊपर की तरफ वो मुड़ा हुआ होता है। उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट होता है कि जब इस प्लफ को खींचा जाता है तो ये क्या करता है, मिट्टी को ना केवल उसको डिग करता है बल्कि उसको क्या कर देता है, उसको टर्न भी कर देता है, उसको उल्टता पलटता भी है, नीचे से काफ़ी गहराई तक ये उसको क्या कर देता है, उसको डिग कर देता है, ठीक है। इसको विद द हेल्प ऑफ बुल्स क्या किया जाता है, खींचा जाता है, ड्रॉन किया जाता है, या हॉर्स के थ्रू भी किया जाता है, या कैमल के हेल्प से भी किया जाता है। हमारे यहाँ इजीली हम क्योंकि डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो हमें यहाँ मोस्टली कैमल आपको देखने को मिल जाएंगे विलेजेस में, जो कि प्लफ का यूज करते हैं और प्लफ को ड्रॉन करते हैं, यानी कि उसको खींचते हैं। प्लफ एक्चुअली में एक नाइफ के जैसे वर्क करता है, बस ये थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है ऊपर की तरफ, जिससे मिट्टी को अपने साथ क्या करता रहता है, टर्न भी करता रहता है, इजीली मिट्टी को कट करता है, साथ में उसको टर्न भी करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हो। हो भी जो होता है उसका यूज भी प्लफिंग के लिए ही किया जाता है, इसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। हो इज़ यूज फॉर द लूजिंग द सोइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग द वीड्स। सो इसका यूज प्लफिंग के लिए तो किया ही जाता है और वीड्स के लिए भी किया जाता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। और ऊपर मैंने प्लफ के अंदर नहीं बताया, प्लफ का मेन यूज़ तो प्लफिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अलावा प्लफ का यूज भी वीड्स के लिए किया जाता है, मैन्यूर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, और जो शीड्स होते हैं उनको शो करने के लिए भी इनका क्या किया जाता है, प्लफ का यूज़ किया जाता है। वैसे ही जो हमारा हो होता है उसका यूज़ नॉट ओनली प्लफिंग के लिए किया जाता है या सोइल को लूज़ करने के लिए किया जाता है, बट आल्सो इट्स यूज फॉर द रिमूविंग द वीड्स। वीड्स यानी कि जो अननेसेसरी प्लांट होते हैं।
It consists of a long rod of wood or iron with a bent plate of iron fixed to one of its end. अब इसकी शेप आपको रटने की जरूरत नहीं है या पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी आपको शेप नज़र आ रही है कि इसमें एक बहुत लंबी सीधी सी एक वुड की रॉड होती है जो कि एक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई जो ब्लेड होती है उसके अंदर पेंट्रेट रहती है, उससे अटैच रहती है। ये आयरन की भी बनी हो सकती है, ठीक है। दिस एक्ट एज ए नाइफ, इट इज़ आल्सो ड्राइव बाय द एनिमल्स। ये भी एक नाइफ के लाइक ही बिहेव करती है और इसको भी विद द हेल्प ऑफ एनिमल क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है या इसको चलाया जाता है, ठीक है। नाउ वी आर मूव ऑन द ट्रैक्टर, ठीक है, या कल्टीवेटर की हम जाएंगे। कल्टीवेटर का यूज़ ट्रैक्टर, कल्टीवेटर जो होता है उसका यूज हम ट्रैक्टर के थ्रू ही करते हैं। अब कल्टीवेटर जो होता है ये थोड़ा एडवांस है, मॉडर्न है, क्योंकि इसको विद द हेल्प ऑफ हम ट्रैक्टर क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं और इससे काम इजीली हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन आपने देखा होगा, इसके मतलब तीत से होते हैं, लगभग आई थिंक 10 to 12 तीत होते हैं, दांत से होते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील या आयरन के बने होते हैं। और ट्रैक्टर उसको क्या करता है, खींचता है, उसको ड्राइव करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो फील्ड इजीली बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, प्लफ हो जाता है, लेबर कॉस्ट कम आती है, मेन पावर कम यूज होती है। दिस डे इट इज़ इन द लार्ज फील्ड, प्लफिंग इज डन बाय द कल्टीवेटर ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर। तो आज के समय में बड़े बड़े खेतों में जो प्लफिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर की जाती है, ठीक है। कल्टीवेटर आप देख सकते हो, नॉर्मली अगर फील्ड में जाओगे तो पीछे तरफ लगा होता है, इसमें 7-8 तीत से लगे होते हैं या मोर देन ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं वो, ठीक है, पर मे बी बिटवीन 8 to 12 के बीच में होंगे लॉन्ग, जो कि शेप उनकी लगभग प्लफ जैसे ही होती है, जो प्लफ का आपको एंड नज़र आ रहा है ना आयरन वाला, वैसी शेप होती है। बस फ़र्क ये होता है कि इसको ट्रैक्टर क्या करता है, ड्राइव करता है। तो इजीली बहुत लार्ज फील्ड को इसको प्लफ किया जा सकता है इन काफ़ी कम टाइम्स के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लफ कर सकते हैं। अब हम लेवलर की बात करते हैं। लेवलर शायद आप लोगों ने नहीं देखा हो, ये लकड़ी का बना होता है लेवलर, लेकिन फिर भी अगर जहाँ पर मॉडर्न टेक्निक यूज़ की जाती है, ट्रैक्टर का भी यूज़ की से भी इसको क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, और जो कैमल्स या बुल्स जो होते हैं उनके भी हेल्प से इसको ड्राइव किया जाता है। इसमें एक लकड़ी का एक मतलब प्लैंक होता है, आप उसको लकड़ी का एक मतलब सिंपल सा आप क्या समझ सकते हो, सिर्फ टुकड़ा समझ सकते हो, जो काफ़ी थिक होता है, ब्रॉड होता है, और उसको क्या किया जाता है, उसको ड्राइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, आप बुल्स भी कर सकते हो, कैमल भी कर सकते हो, हॉर्स, या फिर इसको ट्रैक्टर के थ्रू भी क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। तो लेवलर इज़ ए लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक विच कैन आल्सो बी ड्राइवन बाय द एनिमल्स और द ट्रैक्टर। लकड़ी का काफ़ी बड़ा सा टुकड़ा होता है, तो जब ये चलता है तो अपने साथ साथ जो क्रम्स होते हैं उनको क्या करता रहता है, क्रश करता रहता है, जिससे वो आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वहाँ के जो फील्ड होता है वो भी क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है, ताकि इरीगेशन ईजी से उसमें किया जा सके। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शोविंग ऑफ सीड्स, बीज को बीजना, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है या नेक्स्ट प्रैक्टिस है जो फील्ड के अंदर आती है। तो इसके बारे में हम स्टडी जब करेंगे तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो शोविंग ऑफ सीड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।